टोक्यो ओलंपिक के लिए खिलाड़ी जहां कोरोना काल में भी परचम लहराने के अभ्यास में जुटे हुए हैं, उन खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की भी तैयारी है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में पौड़ी के कंडोलिया पार्क में चेयर फॉर इंडिया की थीम पर सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी सेल्फी खींचकर ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक मुकेश कोहली भी सेल्फी प्वाइंट में सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी जिलों में इस तरह के सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जहां पर लोग सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड कर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से सेल्फी प्वाइंट में पहुंचकर सेल्फी अपलोड कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की है। हमारे जो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि जो 23 जुलाई को टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें जितने भी हमारे देश के, भारत के जितने भी खिलाड़ी वहाँ प्रतिभाग करने जा रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कैंपेन है, जो कैंपेन है चेयर फॉर इंडिया के लिए, जो कैंपेन है उस कैंपेन के लिए हम लोग उनके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने चेयर फॉर जो ये कैंपेन है इसको शुरू किया है, पूरा देश इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा। और चेयर फॉर इंडिया कैंपेन में जो है कि हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारत इस बार ओलंपिक में अधिक से अधिक पदकों को जीतेगा।